दोस्तों, बवासीर में मरीज़ के गुदा के अंदर मस्से और सूजन होनी शुरू हो जाती है। ये एक ऐसी बीमारी है जिससे व्यक्ति काफ़ी परेशान रहता है। दोस्तों, आमतौर पर देखा जाता है, जैसे ही किसी मरीज़ को पता चलता है कि उसको बवासीर के लक्षण हैं, उसको बवासीर के सिम्टम्स हैं, तो वो बिना किसी डॉक्टर को दिखाए ओवर द काउंटर मेडिसिन लेने लगता है कि उसकी जो ये तकलीफ़ है, उसकी जो ये बीमारी है, जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर उसकी बीमारी ठीक होने के बजाय बढ़ने लगती है और नौबत यहाँ तक आ जाती है कि उसको ऑपरेशन कराने की ज़रूरत भी पड़ जाती है। दोस्तों, अगर आप दवाओं के साथ साथ अपना डाइट मैनेजमेंट ठीक रखेंगे, आप अपनी डाइट को ठीक रखेंगे, तो आपकी जो ये बीमारी है, आपकी जो परेशानी है, ये काफ़ी जल्दी ठीक हो जाएगी। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर आरिफ मलिक आज की इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आपको बवासीर की तकलीफ़ होने पर अपना डाइट मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, उसमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और आपको अपनी डेली लाइफ की जो रूटीन लाइफ है उसको किस तरीके से मॉडिफाई करना चाहिए। साथ में ये भी बताऊंगा कि आपको कौन कौन से आसन, कौन कौन से योगाज इस चीज़ में करने चाहिए। आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं, जिससे आपको इस तरीके की जानकारियां समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आपको बवासीर की तकलीफ़ है तो उसमें आपको क्या चीज़ें खानी चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं अनाज की। अनाज में आप रागी का आटा और जो जो होती है उसके आटे की रोटी बनाकर उसका सेवन कर सकते हैं। दाल में आप मसूर दाल, मूंग दाल, अरहर दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जियों में आप सिगरू, जायफल, तोरी, लौकी, बथुआ, परवल, इसके अलावा ऐसी चीज़ें जो आपको जल्दी पच जाएँ, जिनमें फ़ाइबर्स ज़्यादा हों, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। गाजर, खीरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं। फलों में आप संतरा, मौसमी, सेब, अनानास जैसी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं जो जल्दी पच जाएँ। इसके अलावा आप काला नमक, जीरा, मट्ठा, दही, इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर्याप्त मात्रा में पानी पी सकते हैं, क्योंकि पानी की वजह से भी, अगर आप पानी कम पीते हैं तो उसकी वजह से डिहाइड्रेशन होता है और उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होने के चांस ज़्यादा होते हैं। कॉन्स्टिपेशन की वजह से ही आपको बवासीर की तकलीफ़ होती है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको बवासीर की तकलीफ़ है तो उसमें आपको किन किन चीज़ों को अवॉइड करना है। उनमें आपको नया धान, उड़द दाल, मैदा की बनी चीज़ें, भिंडी, बैंगन, कटहल, ऐसी चीज़ें जो आपको ना पचती हों, उन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको बाहर का फास्ट फूड, जंक फूड नहीं लेना है। समोसे, छोले, चावल, काबुली चने, इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। इसके अलावा आपको स्मोकिंग, अल्कोहल का इस्तेमाल भी नहीं करना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको इस्तेमाल नहीं करना है बवासीर की तकलीफ़ में। अब जान लेते हैं कि बवासीर की तकलीफ़ अगर आपको है तो आपको अपनी डेली लाइफ में क्या क्या चेंजेस करने हैं, किस तरीके से आपको अपनी डेली लाइफ को मॉडिफाई करना है। इसलिए इसमें सबसे पहले आपको बाहर का फास्ट फूड, जंक फूड अवॉइड करना है। आपको गुस्से से, तनाव से आपको बचना है। आपको रोज़ाना टहलने जाना है। आपको बासी भोजन का इस्तेमाल नहीं करना है। बासी भोजन, ठंडा भोजन, फ्रिज का रखा हुआ भोजन नहीं खाना है। खाने को चबा चबा कर खाना है। कम से कम 32 बार खाने को चबा चबा कर खाएं। आराम से खाना खाना है। अगर आपको भूख लगे तभी आपको खाना खाना है, बिना भूख के खाना नहीं खाना है। खाने के ऊपर दोबारा से खाना नहीं खाना है और जितनी भूख हो उससे कम खाना खाना है। आपको कम से कम खाना खाने के बाद 800 से 1000 कदम आपको चलना ही चलना है। सुबह शाम आपको व्यायाम करना है, एक्सरसाइज करनी है। बाहर का फास्ट फूड, जंक फूड नहीं लेना है। अल्कोहल, स्मोकिंग का सेवन नहीं करना है। कैफीन का सेवन नहीं करना है। अगर आप बाहर का डिब्बा बंद पैक्ड फूड लेते हैं तो उनका इस्तेमाल भी आपको बंद कर देना है। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे आसन की, अगर उनको आप करेंगे तो आपकी जो बवासीर है उसके उपचार में ये काफ़ी लाभदायक होते हैं। इसमें आपको सबसे पहले भस्त्रिका करना है, सर्वांगासन करना है, आपको अनुलोम विलोम करना है, सूर्य नमस्कार करना है, पश्चिमोत्तासन करना है। तो ये कुछ आसन हैं, अगर आप इनको करेंगे तो आपकी जो बवासीर की तकलीफ़ है वो काफ़ी जल्दी आपकी हील होने लगेगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है या फिर आपके आस पड़ोस में कोई बवासीर की समस्या से पीड़ित है तो उन तक हमारी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, जिससे कि वो लोग इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएँ। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।